हाय फ्रेंड्स, एक कमेंट में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कोई हमें हर्ट नहीं कर सके, तो हम उसके लिए क्या करें? कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सके, हम किसी को हर्ट नहीं कर सके, राइट? और क्या होता क्या है इस चीज़ से? कोई अगर आपको परेशान करता है या आपको कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपके दिल को दुख ही कर देती हैं, राइट? तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए? गुस्सा तो बहुत आता है, राइट? जब कोई हमें परेशान करता है तो हम लोग बस ऐसा सोचते हैं कि अब तो इसका क्या कर दें, अगर उसने हमारा बुरा किया है तो इसका भी बुरा होना चाहिए। एक और कमेंट था, किसी ने लिखा था कि अगर कोई हमें तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या किसी ने हमें चोट पहुँचाई है तो भगवान यूनिवर्स उसे सज़ा दें, इसके लिए हम कैसे प्रे करें? सबसे पहली बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए, जब कोई भी आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपको गलत बात बोली है, ठीक है, वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे हम सब ह्यूमन नेचर है हमारा कि हम लोग रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर के, राइट? गुस्सा आता है उस समय, कोई मेडिटेशन, कोई मंत्र, कोई अच्छी बातें कुछ याद नहीं रह जाती। अगर हम अभी कितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में आओगे कि कोई आपको सामने से गलत शब्द यूज़ कर रहा है आपके लिए, ओके, या फिर आपको कोई ऐसा उकसाने वाली चीज़ें कर रहा है या आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, उस टाइम पे क्या हम बहुत पॉजिटिव रह के उसे पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं? ऐसा टाइम होता है क्या? सी, उस टाइम पे आप सिर्फ अपने आप को बचाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ अपने आप को बचाओ। किसी और के बारे में कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है, कोई अगर आपको ऐसी बातें बोल रहा है जो आप सुन नहीं सकते, जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसको क्या कर दूं, तो अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट मत करना, ठीक है? इससे सबसे बेस्ट उपाय होता है वहां से हट जाओ, उस जगह से दूर चले जाओ। हो सकता है सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये डर के चला गया, ये डरपोक है, कोई बात नहीं। कभी कभी झुक जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, हम सब सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे चुप रह गए तो उसे तो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल डरपोक था, या इसमें तो दम ही नहीं थी था इसमें ताकत ही नहीं थी, इसलिए देखो ये भाग गया। उसको सोचने दो, उसकी सोच है, खुश होने दो ना उसको भी, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे जब ऐसे जगह से आप चुपचाप हटके निकल जाओगे, आपने कोई एक्शन नहीं दिखाया उसे, पहले तो अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए आपको उस टाइम पे जो भी करना है, अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है अपने शब्दों से, आप आगे की कॉन्वर्सेशन मत करिए, वहाँ से हट जाइए, ठीक है? इससे ज़रूरी ये है कि आप अब, क्योंकि किसी ने आपको कुछ बोला है, कोई बात आपके दिल में है, तो अब आप उस बात को चाहते हो कि वो आपके दिल से निकल जाए। गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, किसी ना किसी को सबसे पहले फ़ोन उठा करके अपनी बात बताते हैं, क्योंकि हमें अपना मन हल्का करना होता है, और मन हल्का करने का सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका यही है, इंस्टेंट जो होता है कि बस फ़ोन उठाओ और जो भी हमारा कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी अपना है, उसको फ़ोन करके फटाफट बताओ कि हमारे साथ ये हुआ, ठीक है? अब क्या होता है, जिसको आपने बताया, चाहे वो आपके आप अपने दोस्तों को बता रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बता रहे हो, अपने बहन भाइयों को बता रहे हो, मम्मी को बता रहे हो, पापा को बता रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो, किसी को भी बता रहे हो, तो अब क्या होता है, उधर से जो लोग होंगे वो आपको कंसोल करेंगे, या फिर वो क्या बोलते हैं उधर से, जनरली जो होता है, मैं वो बता रही हूँ, जनरली क्या होता है, अच्छा ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया, तुमने ये क्यों नहीं बोला, तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला, वो आपको ज्ञान देंगे कि आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ये लड़ाई करनी चाहिए थी, आपको ऐसा सोचना चाहिए था, आप भी जा करके उसको ऐसे बोलते, ठीक है? अगर जो रिलेशनशिप में है, ओके, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या फिर कपल्स, क्या होता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में, तो आप जा करके अपने ही लोगों को बताओगे, ठीक है? अब वो लोग या तो आपको उकसा देंगे बहुत ज़्यादा, या तो आपको कुछ करने की सलाह देंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो उन चीज़ों में भी आपको बोलेंगे कि आप शांत रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, इस चीज़ से ऐसे बाहर निकलो, ठीक है? तो ये जो पॉजिटिविटी मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर्ट हो, आप लोग भी अपने अपने अंदर ये चीज़ क्रिएट करो,
ठीक है, इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि हम सब अगर खुद को ऐसा बना लेंगे ना, तो फिर हम ना खुद हर्ट होंगे, और अगर कोई हर्ट हुआ बंदा हमें अपनी बात बता रहा है तो हमें ये भी पता रहेगा कि उसको कैसे हमें ठीक करना है, कौन सी चीज़ उसको इंस्टेंट बोलनी है, और इंस्टेंट रिलीफ इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है, आप ध्यान रखिएगा। आप सिंपल एक बात सोचिए, मान लीजिए कि आप कहीं रोड पे हैं और आपकी लड़ाई हो रही है किसी से, जनरली रोड पे मान लीजिए ट्रैफिक है, आप कार लड़ गई या कुछ भी, ठीक है, और वहाँ पे आप लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक बंदा वो भी बोलेगा कि मैं अपने लोगों को बुला रहा हूँ अभी फ़ोन करके, ठीक है, दूसरा बोलेगा मैं भी बुला रहा हूँ अपने लोगों को, दोनों अपने अपने लोगों को बुला रहे हैं। अब जिसको फ़ोन किया वो बोलेगा हाँ भाई तू रुक, मैं अभी 10 लोगों को और लेके आ रहा हूँ, उधर से वो भी 10 लोगों को। इन दोनों में से एक के भी जो रिलेटिव हैं या कोई भी दोस्त यार हैं जिनको उसने फ़ोन किया है, अगर वो सिर्फ इतना बोल देंगे ना कि छोड़ दे बात को, आगे मत बढ़ाओ, तुम लौट आओ वहाँ से लौट आओ, ओके, आप अगर उस जगह से निकल के आ जाओगे, उस सिचुएशन को वहीं ख़त्म कर दोगे, एक तो आप उस वो जो पूरा जाल बनने जा रहा था लड़ाई का, पूरा एक बहुत बड़ा जंजाल बन जाता, उसमें से आप बाहर निकल गए, ठीक है, सामने वाला बहुत खुश होगा कि मैंने डरा दिया उसको, मैंने ये कर दिया, ठीक है, इसलिए वो चला गया, होने दो उसे खुश, क्यों होने दो खुश ये भी बता रही हूँ, इसको भी अपने मन में गांठ बांध दो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो ये लगता है हम क्यों ऐसा करें, क्यों उसे खुशी दे दें। और ये होता क्या है, ये गीता में भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा अगर पढ़ते होंगे तो, जब कोई आपको गलत शब्द बोलता है, ठीक है, जब कोई आपकी बुराई करता है, जब कोई आपको हर्ट करता है, तो वो ना चाहते हुए भी अनजाने में ही, उसे पता भी नहीं है, लेकिन उसने जो भी पुण्य कर्म किए होंगे ना कुछ तो पुण्य सब करते ही हैं, चाहे कितने भी गलत क्यों नहीं हो, ठीक है, तो अगर कुछ ना कुछ पुण्य कर्म उसने किए भी हैं, या उसके पिछले जन्म के भी कोई पुण्य कर्म होंगे ना, वो आप लोगों को बिना कुछ किए मिल जाएंगे, बहुत इजीली आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, आपका आपका जो कर्मों का कार्मिक अकाउंट है वो अपने आप भर जाएगा बिना आपके कोई पुण्य कर्म किए, तो उस टाइम पे तो खुश होना। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई अगर आपके बारे में बुरा बोल रहा है ना, तो आप लोग खुश होइए कि बिना कुछ किए ये अपने कर्म मुझे, अपने पुण्य मुझे ट्रांसफर कर रहा है, और मैं बिना कुछ किए मैं पुण्य कमा रहा हूँ बैठ करके यहाँ पे, राइट। जो हम लोग कहते हैं ना कि ये जो बुरे लोग हैं ये और ज़्यादा क्यों, इन्हीं के साथ अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इनको बुरा बोल बोल के बोल बोल के, अरे इतना बुरा, इसके साथ तो ये होगा, इसके साथ तो वो होगा, आप अपनी ब्लेसिंग तो उसी को ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो उसे तो वो ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रही है ना, वो अपने कर्मों का जो भी काटना है वो काटेगा, वो कार्मिक अकाउंट जो कर्माज होते हैं वो थ्री फोल्ड होकर के लाइफ में वापस आते हैं, वो आएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपने अपनी ब्लेसिंग से उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के लिए भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, और आपको जो हर्ट कर रहा है, अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो आप उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करो, सिर्फ ये सोच के कि बस अब इसने अगर मेरे बारे में गलत बोला है, या मुझसे नफरत करता है, या मुझसे अगर कुछ गिला शिकवा है, तो ये अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहा है फ्री में, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। और दूसरी बात कि जब आप कोई तकलीफ में आ गए हो, कोई ऐसी बात आपके साथ हो गई है, तो जिनसे भी शेयर कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना, अगर वो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं तो उनसे आप शेयर करो, लेकिन किसी भी नेगेटिव इंसान से नहीं, किसी भी ऐसे इंसान से नहीं जो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने में या आग में घी डालने का काम करता है, उन लोगों से प्लीज़ दूर रहिए, और आप खुद वैसे बनिए, क्योंकि सब चीज़ें हमसे शुरू हैं, अगर हम खुद को बदल लेंगे बाकी सब बदल जाएगा, राइट। सबसे पहले कौन आता है, हम ही तो हैं, तो बदलना तो हमें खुद को है, ठीक है, तो अभी क्या है, आप भी अपने आप को बदल के रखो। कोई भी आपके फैमिली का मेंबर कभी आपको फ़ोन करके अपनी अपनी तकलीफ, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स आपको बताता है, सपोज छोटा सा एग्जांपल, अभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो जाती है, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में आके लिखते हो कि मैम उसने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत नफरत करता है वो मुझसे, इतने हार्ड टफ वर्ड्स आप लोग उनके लिए यूज़ कर रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो, ठीक है, पर ठीक है, आप लोगों के मन में आई बात तो आपने आके लिखा, लेकिन अगर हम वहाँ पे ये लिख दे, या कोई आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड्स बहुत इस चीज़ में बहुत माहिर होते हैं, बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं वो तुझसे प्यार तो करता है ना, तो क्या हो गया एक दो बातें बोल दी, अभी देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ओके, वक्त के साथ, वक्त ये जो वर्ड है ये यूनिवर्स से रिलेटेड है, डिवाइन टाइम,
ठीक है। तो आप जब वक्त का पहिया या वक्त का दामन पकड़ के चलोगे, चीज़ें अपने आप, क्योंकि आप अफर्मेशन ऐसी दे रहे हो, ठीक है, कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने दे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो आपने जब वक्त के लिए छोड़ दिया तो वो वक्त अच्छा आएगा। पर आप लोग, अगर मान लीजिए आपसे कोई आकर के बोले कि, अगर फ्रेंड्स छोड़ो, जब हमारे फैमिली के मेम्बर्स, कोई सगे भाई बहन जो बिल्कुल जिनसे हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, उनके लिए तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। मेन होता है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उनमें बता रही हूँ मैं, वाइफ के साथ अगर हस्बैंड के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कोई भी, या इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, तो जो बेटियाँ होती हैं वो अपनी माँ को फ़ोन करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, माँ यहाँ पे या तो अपनी बेटियों का घर बसा सकती हैं या तो उजाड़ सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सपोर्ट करना इज़ डिफरेंट, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन रोज़ाना की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब जब शेयर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अरे ये काम तो अच्छा है ना। उनकी अच्छाइयाँ गिनवाइए, उनकी कमियों को और बढ़ावा मत दीजिए, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर दिया उसने। जब आप भी अपनी सोच वैसी ही दे दोगे, सामने वाला तो नेगेटिव था ही, आपने भी नेगेटिव सोच दे दी, तो अब तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा और यही तो स्ट्रांग अफर्मेशन बन के यूनिवर्स में जाएगा। तो कैसे सोचोगे कि फिर ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज़ क्रिएट होगी आपकी लाइफ में, नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों का पॉजिटिव रहना, रिलेशनशिप में जो हैं वो लोग भी, ओके, अपने अपने पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव ही बोलिए, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, कुछ भी अच्छा पकड़ के सोचने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड यस, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, किसी को भी पॉजिटिव अफर्मेशन देने से पहले खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर आप प्रोटेक्टेड हो ना और आप हैप्पी हो, सी इफ समवन इज ट्राइंग टू हर्ट यू, कोई ऐसा आपको हर्ट, ये जो हर्ट वर्ड है ये हमेशा सब यूज़ करते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, उसने भी मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ़ दी, मुझे ऐसे बोला, मुझे डांट दिया, तो आपने मुझे ये मिला, मुझे ये, तो आपने वही चीज़ें क्रिएट की हैं मन में, तो वैसा ही मिलेगा। एक सिंपल सी आपको कहानी बताती हूँ, अभी सावन हमारे शुरू होने वाले हैं, शंकर पार्वती का दिन, राइट। तो ये क्या है, एक बार शंकर जी कहीं जा रहे थे, तो पार्वती माँ ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो शंकर जी ने बोला कि तुम मत चलो, आपको रास्ते में भूख लग जाएगी, ठीक है, और रास्ता बहुत लंबा है। तो पार्वती जी ने बोला कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगेगी, मैं चलूँगी। अब चल तो पड़े, आधे रास्ते में पार्वती जी को भूख लग गई, तो उन्होंने शंकर जी से बोला कि भाई मुझे तो भूख लग गई बहुत ज़ोर से। शंकर जी ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मत चलो, आप घर में रहो, पर चलो देखते हैं कहीं पर कोई मिलता है। तो शंकर जी, पार्वती जी, एक साहूकार था, उसके घर पहुँच गए। साहूकारनी बाहर निकल के आई तो उन्होंने बोला कि कुछ खाने को दे दीजिए, भूख लगी है, और इनका, पार्वती जी का मन था खीर खाने की, मीठी खीर और खांड जो होती है ना भूरा, कि खांड और मीठी खीर खानी है तो आप हमें खिला दो। तो साहूकारनी ने बोल दिया कि घर से क्यों नहीं खा के निकले थे, घर से खा के निकलना चाहिए था कि यहाँ पे तो नहीं है। तो शंकर पार्वती जी वहाँ से आगे चल पड़े, आगे चले तो एक बुढ़िया मिली, गरीब बुढ़िया थी, झोपड़ी थी उसकी। अब उसके पास जाके शंकर जी ने बोला कि बुढ़िया माँ, मुझे पार्वती हैं और इनको खांड और खीर खानी है, तो आपके पास है क्या? तो बुढ़िया माँ ने बोला कि आप बैठिए, मैं खिलाती हूँ। तो वो दोनों बैठ गए। अब बुढ़िया माँ ने क्या किया, अपना एक बर्तन उठा के जाने लग गई। शंकर जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो हमें बिठा के? बुढ़िया माँ ने बोला कि ना तो चावल है, ना खांड है, ना दूध है, तो खीर कैसे बनाऊंगी, कि मैं लेने जा रही हूँ, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। तो शंकर जी ने बोला कि आप घर में जाइए, आपके पास पतीले में आपको दूध मिलेगा, ठीक है, और चावल भी हैं और खांड भी है, आप खीर बना लोगे। बुढ़िया अंदर गई, उसने देखा सब कुछ है, उन्होंने खीर बनाई और दोनों को बहुत प्यार से खिला दिया, खा लिया, दोनों चले गए, ठीक है। अब बुढ़िया माई ने बोला, खीर बच गई थी जाने से पहले, शंकर जी जाने से पहले खीर काफ़ी सारी बच गई,
तो बुढ़िया माई ने बोला कि आप लोगों ने तो इतना ही खाया, इतनी खीर बच गई, इसका मैं क्या करूं, मेरा तो कोई परिवार नहीं है। तो शंकर जी ने बोला कि तुम आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद की, आंखें खोला तो बहुत, तो उसका परिवार बना दिया, उसके बेटा बेटी पोता पोती सब घर में खेल रहे हैं। बोला अब तुम्हारा परिवार है। बुढ़िया माई ने बोला कि हाँ शंकर जी, मेरा तो परिवार हो गया। फिर शंकर जी जाते समय उसकी कुटिया को पैर मार के चले गए, तो वो कुटिया महल बन गई। ठीक है, फिर शंकर जी ने जो उसको पतीला दिया था, उस पतीले से बुढ़िया ने काफ़ी खीर सबको बांटी और उसके घर में धन धान्य बहुत सारा भर गया। अब जब बुढ़िया खीर बांटने लग गई तो उस साहूकारनी के घर भी पहुंच गई जिसे खीर खिलानी थी। तो साहूकारनी को जब खीर दिया तो साहूकारनी बोलने लग गई कि तुम्हारे घर खीर कहाँ से आ गई, तुम्हारे घर तो खाने के लिए अनाज भी नहीं था। तब बुढ़िया माई ने बोला कि ऐसे करके महाराज जी आए थे, शंकर पार्वती रूप भेष बदल के गए थे, अपना महाराज बन के गए थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आए थे और उन्होंने खीर मांगा पत्नी के लिए, तो मैंने खीर बना के खिलाया था, तो इसी से ऐसा सब हुआ और उन्होंने मुझे वरदान दिया। अब साहूकारनी को लालच आया, वो भागी महाराज जी के पीछे, कहाँ गए कहाँ गए। थोड़े दूर पहुँच चुके थे, वहाँ जाके उनके चरण पकड़ लिए, बोली कि आप मुझ पर भी कृपा करिए, मुझसे भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाई, आपको खिलाई नहीं खीर, अब मैं पैर पड़ती हूँ आपके, आप मुझ पर भी कृपा करिए, साहूकारनी पे, बुढ़िया माई पे कृपा की है आपने, अब मुझ पे भी कीजिए। तो आपने उस पे कैसे कृपा की, ऐसे पूछा उसने। तो शंकर जी बोले कि तुमने, मैंने तुमसे कोई बात कही, तुमने ना कह दिया, तो जब तुमने ना कहा तो तुम्हारे लिए सब ना है। मैंने बुढ़िया माई से कोई बात कही तो उसने हाँ कह दी मेरे को, उसने हर बात में हाँ कहा जबकि उसके पास नहीं था, फिर भी हाँ बोलती चली गई वो, तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हाँ हो गया और सब अच्छा होता चला गया और सब भर गया उसका। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो जैसा जिसकी नियत थी वैसे बरकत हो गई उसको। इसीलिए कहते हैं जैसी नियत रखोगे बरकत वैसी ही होगी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन ये सब बोलना बहुत ज़रूरी था, बहुत लोग परेशान हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, हमेशा हाँ में अपनी सोच रखो, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचो, अच्छा बोलो। जब आप सिर्फ अपनी सोच अच्छी कर लोगे ना, तो ब्रह्मांड आपको क्या क्या दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप सबसे धनी, सबसे खुश और सबसे लकी इंसान बन जाओगे, जैसे इस बुढ़िया माई पे कृपा की है शंकर भगवान ने। तो ब्रह्मांड के रचयिताओं का कब कृपा हो जाए आप लोगों पे, ये सिर्फ आपकी सोच पे है। आप लोग कितना हाँ में जीते हो और कितना ना में जीते हो, ये चीज़ आंक लेना अपने अपने अंदर, अपने अपने अंदर टटोल लेना इस बात को कि आप हाँ ज़्यादा बोलते हो या ना ज़्यादा बोलते हो। जो लोग हाँ बोलने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, पॉजिटिव बातें करने वाले हैं, उनके साथ ब्रह्मांड सब कुछ अच्छा करता है। जो लोग हज़ार टेक्निक्स कर लें, हज़ार उपाय डाल लें, हम हज़ार मंत्र यहाँ पे दे दें आप लोगों को, लेकिन अगर मन में नेगेटिव थॉट है और मन में ना का भाव है, नहीं हो ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं, नहीं नहीं करते रहोगे तो नहीं ही मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड अपने आप को किसी को हर्ट मत करने दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए हर चीज़ में। हाँ कुछ नहीं है, बुढ़िया माई के पास कुछ भी नहीं था। बहुत से लोग यहाँ पे होते हैं ना, जब हम कहते हैं कि आप लोग मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, मनी के लिए सोचो कि आपके पास है, तो बहुत से लोग लिखते हैं कि जब है ही नहीं तो कैसे सोचें। ऐसे सोचो, इस कथा से समझो सीखो। एक बुढ़िया माई जिसकी कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसने तक मना नहीं किया, उसने हर बात में हाँ बोला कि मैं हाँ बनाती हूँ, हाँ मैं करती हूँ ये काम। उसके लिए सब कुछ हाँ हो गया, उसके लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुल गए। ऐसे आपके लिए भी खुलेंगे, आप भी ज़िंदगी में हाँ बोल के चलो, खुश रहो, दूसरों को पॉजिटिव सलाह दो तो आपके लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि जब आप सलाह दे रहे हो, कोई चीज़ बोल रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, किसी और के लिए बोल रहे हो, तो आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने पार्टनर्स के लिए भी जब यहाँ पे कमेंट्स में लिखते हो कि वो मुझसे नफरत करता है, इतने हार्ड वर्ड्स मैं पढ़ के मुझे लगता है कि बाप रे कितने हार्ड वर्ड्स हैं ये, इतने हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हो आप लोग, बहुत इजी रहो लाइफ में, इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं हम लोगों के, हम चाहें तो कितने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
सो इस तरह से अपने आप को हर्ट होने से भी बचाइए, दूसरों को हर्ट करने से भी बचो और ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखो, एंड कुछ इन सब चीज़ों से सीखो आप लोग प्लीज़। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग, एंड आई नो वीडियो लंबी हो गई बट ज़रूरी था, इसी के साथ बता लेती हूँ, थैंक यू।